नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके लिए क्लास टेंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, क्लास टेंथ मैथ, जिसमें आज हम आपको कराने वाले हैं सेक्शन डी का पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय सभी बच्चों के लिए रामबाण इलाज है, जो चार नंबर रोकड़ा नंबर आपको मिलता है। अगर आपने ये चार नंबर अच्छे तरीके से कर लिया ना, मैं गारंटी कहता हूँ बड़ा, ये चार नंबर आपके रोकड़ा और पक्के 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 हो जाएंगे। बड़ा मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूँ, मतलब गारंटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चीजें मैं आपको चलाने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर आज मैं आपको कराने वाला हूँ पाइथागोरस प्रमेय। आप सामने देख सकते हो बड़ा कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर 20 में, 90 में, 2011 में, 7 में, 2013 में, जुलाई 13 में, 21 में, 22 में और 23 में आने की फुल गारंटी है। 100% दावे के साथ कहता हूँ बड़ा, पाइथागोरस प्रमेय या तो पाइथागोरस के प्रतीक प्रमेय में से दो प्रमेय में से 100% आएगा, मतलब आएगा। अपना पाइथागोरस को कितने तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। तो देखो, पहला तरीका यहाँ पर ये है कि पाइथागोरस प्रमेय लिखो, आपको डायरेक्टली ऐसे बोल देंगे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका कैसे पूछेंगे बड़ा, त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, 90 अंश का कोण है, तो सिद्ध करना है एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। और तीसरे तरीके से कैसे पूछेंगे, या तो ऐसे पूछ सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या तो क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना बड़ा, ये किताब के अंदर बड़ा प्रमेय नंबर 6.8 है, जो मैं आपको हालांकि दिखा दे रहा हूँ। तो बड़ा ये वाला प्रमेय पूछा गया है, ठीक है बड़ा, तो प्रमेय 6.8। अब बड़ा इसको मैं एकदम डिटेल से और अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ कि प्रमेय कैसे लिखा जाएगा, क्लियर। अब बच्चे, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बड़ा यहाँ पर एक आकृति बनानी पड़ेगी। चलो हम एक आकृति बना लेते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पर आकृति बन गई है, तो समकोण त्रिभुज बड़ा आपने बना दिया है बड़ा। अभी समकोण को कैसे समझाना है बड़ा, उसे मैं डिटेल वाइज समझाऊंगा बड़ा। पहले आपको इस तरीके से आकृति बना लेना है, आकृति बन बड़ा, आप ऐसे समकोण आकृति बना सकते हो बड़ा। टेक्स्ट बुक में देखोगे उसमें अलग तरीके से बनाया है, आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने इस टाइप का आकृति बड़ा क्लास 9th में, क्लास 7th में, क्लास 8th में आपने पढ़ा है, तो मैं उस टाइप से आलेख आकृति लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम में आप बना सकते हो। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर दिया गया सिद्ध, ये आपको बड़ा टेक्स्ट, ये क्वेश्चन मत से लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, तो बड़ा ये जो लिखा होता है यहाँ तक, ये आपका क्या है बड़ा, दिया गया, इतने इतना बड़ा आपको कहाँ लिखना है, दिया गया में, और यहाँ पर लिखा है सिद्ध करना, इसको किस में लिखोगे, सिद्ध करना में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं इसको हम। देखिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों उपपत्ति में क्या करना है, देखो बड़ा समकोण बनाने के बाद एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज करते हो उसको हमें कहाँ लिखना है, उपपत्ति में। अच्छा ध्यान दीजिए बड़ा, ये जो बड़ा ये जो लिखा है, ये जो लीटी खींचा बड़ा, ये जो बी और डी को मैंने जोड़ा है बड़ा, ये आपका क्या बड़ा, लंब है। अगर ये लंब होगा तो आधार किसे कहेंगे, आधार कहेंगे ए सी को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी डी, और इसको हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, जो बनाया बड़ा, ये जो हमने बनाया ना, इसी को हम क्या बोलते बड़ा, लंब बोलते हैं। तो बी डी लंब क्या होगा बच्चों, आधार क्या होगा, ए सी, बी डी लंब ए सी खींचा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना बड़ा, जिसमें हम लिखेंगे, जिसमें डी बिंदु पर, जिसमें डी से ए सी बिंदु मिलता है, तो लिखेंगे जिसमें से बिंदु डी से ए सी पर बिंदु है, मतलब डी बिंदु किस पे है, ए सी पे है, तो वो लाइन मैंने क्या किया यहाँ पर लिख दिया। यहां तक लिखने के बाद अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है उसे हम आपको डिटेल वाइज समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं।
देखिए बच्चों, अब यहाँ पर ये मैंने बना दिया, अब इसको समझाता हूँ कैसे लिखेंगे। अब बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो ना बड़ा, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज है, इसके अंदर आप दो त्रिभुज हो गए। समकोण के अंदर कितने त्रिभुज हो गए, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। एक त्रिभुज क्या बन रहा है, ए डी बी, दूसरा बी डी सी, दो बन गया बड़ा। तो बड़ा इसको हम देखो क्या है, ए डी बी, दूसरा फिर ए बी सी। तो बड़ा हम इसको लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी, ए बी समरूपता त्रिभुज ए बी सी, मतलब ये बड़ा वाला। इसको बड़ा मैं बाहर से लिखती, मैं तुमको बना के दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए। खाली आपके समझ समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ बड़ा, आपको समझ में आ जाए इसके लिए। ये देखो ए डी बी, और दूसरा यहाँ पर ए बी सी, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ बड़ा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बच्चे इसमें आकर ध्यान से देखो, तो ये जो ए डी है बड़ा, ये ए डी किसके बराबर है, ये ए बी के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए डी के बराबर में क्या है बड़ा, ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी। अब बच्चों बराबर, अब यहाँ पर देखो, अब दूसरे नंबर पे क्या लेना, हमेशा कर्ण ही लेना है। क्या लेना है, कर्ण वाला, ये जो है इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब बच्चों ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर क्या होगा, ए सी। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर। अब आपको क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो सभी बच्चों को आता है, तो इसका गुणा हम क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे। चलिए करते हैं, तो लिखेंगे ए सी गुणे ए डी, तो यहाँ पर होगा ए डी गुणे ए सी बराबर, फिर क्या करेंगे ए बी गुणे ए बी। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए डी इंटू ए सी। अब ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी स्क्वायर होगा। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर एक। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम जैसे हमने ए डी बी लिया था ना बड़ा, अब हम क्या लेंगे बी डी सी, अब क्या लेंगे बी डी सी, अब यहाँ हम लेंगे ये वाला त्रिभुज, तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं बड़ा। चलिए फिर से लिखते हैं बड़ा, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे बता रहा हूँ, प्रमेय 6.7 के अनुसार। अभी तक हमने ये वाला लिया था ना, अब हम लेंगे ये वाला बी डी सी, मतलब ये वाला लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी समरूपता त्रिभुज ए बी सी। फिर से बड़ा एक त्रिभुज बना के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाता हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसको बनाना मत, खाली समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बी डी सी, लिखेंगे बी डी सी, और यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ पर बताओ क्या क्या बराबर है बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो डी, ये जो सी डी है बड़ा, ये जो डी सी है, ये जो डी सी है ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे सी डी बराबर में क्या लिखेंगे, बी सी बराबर। इसके बराबर में क्या होगा बच्चों, ये जो बी सी है ये किसके बराबर होगा, ए सी के, हमेशा कर ही लेना है। तो बी सी बराबर क्या होगा, ए सी। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चौकड़ी गुणा करेंगे। चौकड़ी गुणा तो मेरे सारे बच्चों को आता है, चलो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो कैसे करेंगे, सी डी बराबर सी डी गुणे सी डी गुणे ए सी बराबर बी सी गुणे पी सी। हम कैसे लिखेंगे इसको, तो सी डी गुणे ए सी बराबर बी सी, बी सी क्या होगा, बी सी स्क्वायर। ये बन जाएगा समीकरण नंबर दो। यहाँ तक हो जाने के बाद बच्चों क्या करना है, समीकरण एक और समीकरण दो को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए कैसे जोड़ते हैं, कैसे लिखेंगे, हम आपको समझाने वाले हैं। चलिए बच्चों समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे कैसे, तो देखो बच्चों यहाँ पर कौन कौन सा समीकरण ध्यान देना है बेटा, उस पर देखो हम क्या करेंगे बेटा, इसको जो है बेटा हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए बेटा इसको जोड़ते हैं, कैसे लिखेंगे बेटा, पहले लिखना सीख जाओ बेटा, कैसे लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है देखो बेटा,
एडी इंटू एसी, तो लिखेंगे एडी इंटू एसी प्लस दूसरे में क्या लिखा है बच्चों, सीडी इंटू एसी है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीडी इंटू, क्या लिखेंगे सीडी इंटू एसी बराबर। आगे बच्चों देखो क्या लिखा है, फिर दूसरा क्या करेंगे हम, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, बी सी को प्लस करेंगे, ए बी प्लस क्या करेंगे बी सी। चलिए बेटा इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो चलो देखो ए बी प्लस बी सी, बोलो बच्चों क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, अब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो कोई कॉमन दिख रहा है, हाँ सर इसके अंदर भी ए सी है और इसके अंदर भी ए सी है, तो ए सी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए सी को हम बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पर बचेगा ए डी और सी डी, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर ए डी प्लस सी डी बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है ए सी इंटू, ये जो ए डी प्लस सी डी है, अब ध्यान से अगर बच्चों देखो तो देखो बड़ा यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है, देखो ए डी प्लस सी डी, ये देखो ए डी प्लस सी डी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा ए सी, है ना क्लियर। तो यहाँ पर ए डी प्लस सी डी को जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर मिलेगा ए सी बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब ए सी, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अरे बच्चों आप अगर ध्यान से देखो तो आपका यहाँ पर प्रमेय सिद्ध हो चुका है, और हमें क्या निकालना था, हमें तो यही निकालना था, हमें क्या निकालना था, हमें तो यही निकालना था, आपका आंसर बड़ा यही मिल गया। आप ध्यान से देखो बड़ा, आपको यही चीजें सिद्ध करना था, आप देखो बड़ा आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको यही करना था, देखो ध्यान से देखो बच्चों आपको सिद्ध क्या करना था, देखो यही चीज आपको सिद्ध करना था ये, और आप देख सकते हो बड़ा ये देखो प्रूफ हो गया ना, तो इस तरीके से बड़ा आपका यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होगा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो बड़ा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना बड़ा, एक एक लाइक बड़ा आपके लिए बहुत, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा, जितना ज़्यादा तुम लाइक करोगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए इतना अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहूँगा, गारंटेड बड़ा मैथ में आप स्ट्रांग बनी जाओगे 100% पूरा श्योरिटी, पूरी गारंटी देता हूँ। चलिए बड़ा वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।